दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपना सारा पैसा किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि अलग अलग स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बनाकर उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी एक स्टॉक में ही अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो अगर वह स्टॉक लॉस में चला जाएगा तो आपको भी लॉस होगा। और अगर आपने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया हुआ है तो कुछ स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म भी करेंगे, इससे आपका रिस्क भी कम हो जाएगा एंड आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। वैसे देखा जाए तो पेनी स्टॉक्स में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ऐसे स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो इस वीडियो में हम आपको चार ऐसे पेनी स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाकर देंगे जिनमें आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके अपने पैसों को कई गुना कर सकते हैं। अगर आप 10,000 से कम या ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से स्टॉक की क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं। पहली तो पेनी स्टॉक आपके पैसों को 100 गुना कर सकते हैं, लेकिन इनमें इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की होता है। दूसरा, यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप इन स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो अपने रिस्क पर करें और आप जितना रिस्क ले सकते हैं उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट स्टॉक है दौलत एग्लोटेक लिमिटेड। यह कंपनी शेयर्स, सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटीज़ में ट्रेड करती है। पहले इस कंपनी का नाम दौलत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड था, जो नवंबर 2021 में बदलकर दौलत एग्लोटेक लिमिटेड हो गया है। अभी इस स्टॉक की करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन 1492 करोड़ की है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 50.3% का है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 60.4% का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर 188 करोड़ का डेट है। इसका एनुअल प्रॉफिट 147 करोड़ का है एंड कंपनी के पास 163 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है। नाउ इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम 0.43 का है तो इसे कंसिडर किया जा सकता है। इसका अर्निंग पर शेयर 10.4 रुपीज़ का है और कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 74.5% की है। बात करें इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों इंक्रीज हुए हैं। कंपनी का रेवेन्यू 142 करोड़ से बढ़कर 285 करोड़ हो गया है और कंपनी का प्रॉफिट भी 31 करोड़ से बढ़कर 146 करोड़ हो गया है। एंड अभी इसका करंट प्राइस इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू से कम है, तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये अच्छा साइन है। अभी इसके एक शेयर का प्राइस 84.8 रुपीज़ का चल रहा है, तो हमें इस शेयर की 29 क्वांटिटी बाई करनी होगी, जिसमें हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 2,459.2 रुपीज़ का होगा। नाउ दोस्तों, सेकंड नंबर का स्टॉक बताने से पहले, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसों को कई गुना करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़रूरत होती है डीमैट अकाउंट की, और बिना डीमैट अकाउंट के आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं एक सुनहरा मौका जहां आप अपना डीमैट अकाउंट फ्री में खुलवा सकते हैं। बस आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी गई लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट फ्री में खुलवा सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। हमारा सेकंड नंबर का स्टॉक है पीटीएल इंटरप्राइजेज लिमिटेड। यह कंपनी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसे अपोलो टायर को लीज पर दिया गया है और वह इसमें अपना प्रोडक्शन करती है। यह एक माइक्रो कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 453 करोड़ की है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 8.81% का है एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.6% का है, जो कि एवरेज माना जाता है। डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर 52 करोड़ का डेट है। कंपनी का एनुअल प्रॉफिट 70 करोड़ का है और कंपनी के पास 57.8 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है। नाउ इसका डेट इसके एनुअल प्रॉफिट से कम है तो हम इसे डेट फ्री ही कंसिडर करेंगे। इसका अर्निंग पर शेयर 2.92 रुपीज़ का है और कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 69.8% की है। अब बात करें कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों इंक्रीज हुए हैं। कंपनी का रेवेन्यू 71 करोड़ से बढ़कर 99 करोड़ हो गया है और कंपनी का प्रॉफिट भी 45 करोड़ से बढ़कर 70 करोड़ हो गया है। अभी इसके एक शेयर का प्राइस 34.2 रुपीज़ का चल रहा है, तो हमें इस शेयर की 73 क्वांटिटी बाई करनी होगी, जिसमें हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 2,496.6 रुपीज़ का होगा। नाउ थर्ड नंबर का स्टॉक बताने से पहले, अगर इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही हो तो एक छोटा सा क्लिक करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। हमारा थर्ड नंबर का स्टॉक है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। इसकी शुरुआत 1976 में रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में हुई थी। उसके बाद से इसने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया है एंड इसके बाद से यह एक इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन PESU है, जो लार्ज और टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्क करती है, जैसे रेलवेज एंड हाईवेज। अभी इस स्टॉक की करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,072 करोड़ की है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज 9.03 का है
और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.4% का है। डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर 943 करोड़ का डेट है, इसका एनुअल प्रॉफिट 391 करोड़ का है और कंपनी के पास 534 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है। नाउ इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम 0.21 का है तो इसे कंसिडर किया जा सकता है। इसका अर्निंग पर शेयर 5.54 रुपीज़ का है और कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 73.2% की है। बात करें इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की तो कंपनी का रेवेन्यू 4,210 करोड़ से बढ़कर 5,540 करोड़ हो गया है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट पिछले 4 सालों से कंसिस्टेंट 410 करोड़ के आसपास बना हुआ है एंड अभी इसके एक शेयर का प्राइस 43.3 रुपीज़ का है। तो हमें इस शेयर की 58 क्वांटिटी बाय करनी होगी जिसमें हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 2,511.4 रुपीज़ का होगा। हमारा फोर्थ नंबर का स्टॉक है टेक्समो पाइप्स एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड। यह कंपनी पाइप्स एंड फिटिंग्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। इनके पोर्टफोलियो में पीवीसी पाइप्स, एचडीपीई पाइप्स, एसडब्ल्यूआर पाइप्स आते हैं। अभी इस स्टॉक की करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन 246 करोड़ की है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 4.94% का है जो कि एवरेज है और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.13% का है। डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर 12.6 करोड़ का डेट है, इसका एनुअल प्रॉफिट 10.8 करोड़ का है और कंपनी के पास 24.8 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है। नाउ इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम 0.05 का है तो इसे कंसिडर किया जा सकता है। इसका अर्निंग पर शेयर 5.66 रुपीज़ का है और कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 44.2% की है। बात करें इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की तो कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों इंक्रीज हुए हैं। कंपनी का रेवेन्यू 255 करोड़ से बढ़कर 422 करोड़ हो गया है और कंपनी का प्रॉफिट भी 16 लाख से बढ़कर 10 करोड़ हो गया है एंड अभी इसका करंट प्राइस इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू से कम है तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छा साइन है एंड अभी इस शेयर का प्राइस 84.1 रुपीज़ का चल रहा है। तो हमें इस शेयर की 30 क्वांटिटी बाई करनी होगी जिसमें हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 2,523 रुपीज़ का होगा। तो दोस्तों इन स्टॉक में हमने आपको जितनी क्वांटिटी बताई है आप उतनी क्वांटिटी बाय करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 9,990.2 रुपीज़ का होगा। लेकिन ध्यान रखें पेनी स्टॉक में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वही अमाउंट इन्वेस्ट करें जो आपके पास एक्स्ट्रा हो। इसके अलावा अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दी गई लिंक पर क्लिक करके अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा क्लिक करके इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।